एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विथ अ न्यू एपिसोड। जो कि हम भाई बात करने वाले इसमें हंटर 350 के ओनरशिप रिव्यू के बारे में, और ओनर है अपने साथ आनंददीप। अभी मैं लाता हूँ उनको भी कैमरे पे। सो चलो आनंद से मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू। ये रही अपनी साथ बाइक, और इस बाइक के ओनर है हमारे आनंददीप भैया नंदू। इनका एक चैनल भी है आनंददीप दिल से, तो आप वो भी जाके फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक रहेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दम भर भर के जो बटन है उसको थूक के मारो, डंडा देख रहे हो ना, डंडा से मारो, लिंक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। हाँ भाई, तो भाई ओनर का रिव्यू लेने से पहले ना थोड़ा बेसिक इसके बारे में इन्फो दे देता हूँ। तो दिस बाइक प्रोड्यूस 20.4 पीएस ऑफ पावर एट 6100 आरपीएम एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4000 आरपीएम। तो भाई पावर ठीक है, और सेम इसमें इंजन मिलता है मेट्योर और जो अपना क्लासिक 350 है ना सेकेंड जेन उसका वाला ही, बट ट्यूनिंग थोड़ा अलग है, राइड करने में थोड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। ये बाइक पहला ऐसा रॉयल इनफील्ड का बाइक है ना जिसमें कि भाई वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि यार ये बाइक आई थिंक यंगस्टर को रख के माइंड में डिजाइन किया गया होगा। सो लुक्स का बात कर ही रहे थे तो एक चीज़ मैं डिस्कस कर लूँ कि देखो इसका सिर्फ मेटल का टैंक ही प्रोवाइड करता है रॉयल इनफील्ड इस बाइक के साथ। अदरवाइज आप देख सकते हो कि पहला ऐसा बाइक है रॉयल इनफील्ड का ना जिसमें प्लास्टिक का बॉडी बहुत यूज किया गया। जैसे ये मडगार्ड है, ये फुल प्लास्टिक का है, ये देख सकते हो पीछे का ये मडगार्ड पूरा प्लास्टिक, मतलब मोस्टली जो पार्ट्स है ना इसके प्लास्टिक का रखा गया है ताकि इसका वेट थोड़ा रिड्यूस हो और इसको मैन्यूवर करना बहुत इजी हो ट्रैफिक में भी। प्लस इसका लुक देखो यार, यंगस्टर अपीलिंग लुक है कि नहीं आप ही कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, क्योंकि ये बाइक मार्केट में भी आप देख सकते हो कि यंगस्टर बहुत ज़्यादा ग्रैब कर रहे हैं। सो चलो ये सब बेसिक बातें कर लिए, अब बात करते ना इसके टायर के बारे में। तो फ्रंट का जो प्रोफाइल है ना वो यहाँ पे देख सकते हो 110/17 इंच का है भाई, 110 mm का टायर का थिकनेस है। इसमें R15 जो है ना, V3 अपना या V4 उसमें भी 100 का मिलता है फ्रंट में, और इसमें 110 का। तो भाई फ्रंट प्रोफाइल जो है ना टायर का बहुत सही है। एंड रियर प्रोफाइल की बात करें तो 140/17 इंच, तो इसमें टायर का प्रोफाइल भी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा रखा है रॉयल इनफील्ड ने, क्योंकि क्लासिक 350 या फिर आप इवन मेट्योर का भी बात कर लो ना तो 110/120 के आसपास ही सिमट जाता है भाई। और इसमें देखो इतना ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी अच्छा प्रोवाइड करती है बाइक। ये जो फिट एंड फिनिश है ना बाइक का तो वो सब काफ़ी अच्छा है। एंड जो सेकेंड जेन का रॉयल इनफील्ड के जितने भी बाइक्स आ रहे हैं ना, मेट्योर हो गया या फिर क्लासिक 350 जो सेकेंड जेन का है, तो उससे ही इसमें भी कैरी फॉरवर्ड किया गया ये सब पार्ट्स। इसको पहले थोड़ा साइड कर लेते हैं भाई, लुक के लिए रखा गया था बट अभी थोड़ा गंदा हो चुका है। तो देखो सेम वही यहाँ पे मिलेगा स्विच आपको, फिर ये हैजार्ड के लिए। प्लस इस साइड में देखा जाए तो ये पास, ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर एंड हॉर्न इस बाइक का बहुत ज़्यादा लाउड है क्या आनंद, और भाई हमेशा बोलता है हॉर्न मार दूंगा सब हट जाएंगे कार वाले ट्रैफिक में लिटरली बहुत लाउड फील होता है इसका हॉर्न, और सही है। और भाई जो ये इंजन है ना इसमें भी मतलब सेम पावर, बस सब कुछ सेम, बस ट्यूनिंग अलग है, तो कहीं ना कहीं उसी इंजन को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, क्योंकि और सेकेंड जेन इंजन जो है ना उसमें वाइब्रेशंस भी कम थे। चलो ये सब पे डेफ में अभी बात करते हैं, सो लेट्स मूव अहेड। तो भाई चलो अब बात करते हैं स्पेसिफिक इस बाइक के बारे में, क्या कॉस्ट आया था, और अपने ओनर भाई साहब का रिव्यू भी लेते हैं उसमें। सो ये बाइक दो वेरिएंट में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, एक मेट्रो और एक रेट्रो ऐसा कुछ करके है ना, जिसमें स्पोक वाला आता है। तो इसमें भाई देखो ये वाला आएगा एलोए और दूसरे वाले में स्पोक का आता है पूरा ये व्हील, तो ये डिफरेंस है। वाला में ट्यूबलेस, जो ट्यूबलेस टायर है वो नहीं रहता है। अच्छा, एलॉय वाला में ट्यूबलेस रहता है। और सेकेंड थिंग ना ये जो है ना ये लाइट इंडिकेटर भी डिफरेंस है, और उसमें एबीएस नहीं रहेगा, रियर में डिस्क ब्रेक भी नहीं रहेगा, इसमें डिस्क ब्रेक है, ब्रेक भी नहीं रहेगा, एबीएस भी नहीं रहेगा। हाँ, चैनल एबीएस, ये दोनों गाड़ी, ये दोनों ब्रेक, सॉरी। और प्लस यहाँ पे आप बहुत सारे बाइक्स में देखते होगे हंटर में कि एक और सा ऐसा डायल रहता है यहाँ पे, बट वो जो नेविगेटर का है ना वो एक्सेसरीज का पार्ट है, तो वो नहीं मिलता है। और एक पीछे रेस्ट का जो मिलता है ना, ये बैक रेस्ट, वो भी एक्सेसरीज का पार्ट है, और वाइजर भी, तो वो सब आप एक्सेसरीज के तौर पर ले सकते हो रॉयल इनफील्ड से। अब बात करते हैं कि भाई इस बाइक को ओन कितने में किया,
तो भाई मैंने इसको खरीदा था करीब 2,15,000 में, और मैंने 2023 अप्रैल में खरीदा था। अच्छा, तो लगभग तुमको एक साल होने को आया है। हाँ, और इस बाइक को तुमने अभी कितना क्लॉक कर लिया है, कितना राइड कर लिया है? 5,158 किलोमीटर। मतलब लगभग मान लो 5,000 से प्लस जाने लगे हो तुम अभी। हाँ, तो 5,000 वाला ओनरशिप रिव्यू है भाई कि 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद हंटर को कैसा फील रहता है, क्या एक्सपीरियंस है भाई का। सो आनंद, बाइक तुमको क्या लगा, वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है जितने में आया था? हाँ देखो भाई, मेट्रो सिटीज के लिए बहुत वर्थ गाड़ी है, और चलाने में भाई फील भी है इसको, मज़ा भी आता है। तो सिटी में जैसे कि मैंने इसको सिटी के लिए ही लिया था, क्योंकि अगर मेरे को लॉन्ग राइड अगर जाना रहता तो मैं ऑब्वियसली हिमालयन पे जाता। और भाई एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि भाई का ना फर्स्ट प्रायोरिटी हिमालयन था, बट मैंने इसको काफ़ी समझाया कि हिमालयन भाई लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा भाई सेंस बनाता है, क्योंकि भाई का लॉन्ग राइड ज़्यादा भी नहीं था, है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, और फ्यूचर में रहेगा तो भाई फिर से ओन कर लेंगे एक और बाइक। और ये मेरा जो तुमको सजेशन था वो सही प्रूफ हुआ कि नहीं? ऑल्दो इट वॉज अ गुड डिसीजन ऑफ आवर, क्योंकि भाई देखो सिटी में राइड करना है तो सब कुछ देखना पड़ता है, परफॉर्मेंस, ट्रैफिक का इशू, फिर से पेट्रोल, और ये आपको मेंटेनेंस भी उसका देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से भाई बेस्ट गाड़ी है 2,15,000 में। और मैं आपको बता दूं कि देखो गाड़ी का जो मतलब इनिशियल मेरा रिव्यू था एक महीने में, काफ़ी मज़ा आया चलाने में। हाँ लेकिन थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा इशू था, अगर तुम अगर किसको कहीं टायर 3 सिटीज़ में चलाओगे जहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं, रोड सही नहीं है, तो या फिर ऑफ रोड में जाते हो, ऑफ रोड में जाते हो आप तो गाड़ी थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि तुम्हें खुद वो एक्सपीरियंस होगा कि रोड ही बढ़िया नहीं है, बार बार लड़ेगा तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि गाड़ी मतलब। बट क्या सिंगल लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आता है? वो तो डबल पे मानो आएगा, सिंगल लोगों के साथ बिल्कुल प्रॉब्लम। हाँ तो भाई सिंगल में तो भाई मजा आने, ये बहुत मैटर करता है। और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 180 mm 185 के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। और सीट हाइट जो है ना वो 790 mm का है। तो भाई नंदू तुम्हारा हाइट क्या है? 5'7". हाँ तो 5'7" के आसपास है भाई, 5'6" 5'7" के आसपास। और इस बाइक का सीट हाइट है 790 mm। तो क्या तुमको प्रॉब्लम आती है हाइट को लेके? नहीं नहीं, मेरे को हाइट को लेके क्या प्रॉब्लम आएगा, तो मेरे लिए तो हाइट के हिसाब से बहुत बेस्ट है। इवन अगर 5'5" 5'4" का भी बंदर है तो उसके लिए इजीली मतलब हैंडल कर सकते हैं इस बाइक को आराम से। और तुम ट्रैफिक में भाई चलाओगे ना इसको, ट्रैफिक में तुम सट कैसे निकलेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई। पावर भी वैसा ही है इसमें, फिल्टर करते 350 cc गाड़ी है, और पावर भी अभिषेक भाई ने तो बता ही दिया। हाँ तो तुम हिसाब से जब निकालोगे गाड़ी ना तो तुम्हें मजा आएगा, फील होगा अंदर से कि पावर जो फील होता है ना, अंदर से जो इंजन का पावर है वो फील होता है भाई। और एक और चीज़ देखो, इसमें पावर एग्जैक्ट मेट्रो और क्लासिक 350 वाला है, बट एक चीज़ है ना कि इस बाइक का जो वेट है ना रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी रिड्यूस किया था, ताकि इसको मनूवर करना ट्रैफिक में इजी पड़े। सेम पावर और वेट कम हो गया है, उसके वजह से क्या है ना कि इनिशियली जो है ना इसका पंच बहुत फील होता है क्या। लेकिन एक प्रॉब्लम है वो बहुत इरिटेशन होता है हाथ में, आओ दिखाते हैं ये क्लच इसको। हाँ भाई, इसमें स्लीपर क्लच प्रोवाइड नहीं करता है रॉयल एनफील्ड। ये जो क्लच है ये स्लीपर क्लच नहीं है, हार्ड क्लच है। क्या बोलते हैं इस क्लच को? नॉर्मल मान लो, नॉर्मल क्लच टाइप का है। तो जब तुम ट्रैफिक में ले जाएगा तो क्लच छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, वो बार बार हैंडल करने में ना फिंगर्स पे थोड़ा सा ये हाथ जो दुखता है ना, मेरे को पता है क्योंकि मैं ट्रैफिक में रोज चलाता हूँ ये मगरपट्टा ब्रिज से, मेरे को मुंडवा ब्रिज से जाना रहता है खराड़ी। भाई ये पुणे का बात कर रहा है, तो भाई का ऑफिस लगभग यहाँ से 8-10 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, रोज इसको मतलब 20 किलोमीटर ट्रैफिक में चलाना है फॉर ऑफिस, और इधर उधर का राइड छोटा मोटा तो है, मतलब लोग रोज तुम्हारा डेली राइड जो है 20-25 किलोमीटर के आसपास है मिनिमम। और तुमने इस पे लॉन्ग राइड्स किए कि नहीं? किया है, यहाँ से महाबलेश्वर गया हूँ, और जब मैं बैंगलोर में था वहाँ, और नंदी हिल्स गया था। ओके, तो भाई लॉन्ग राइड्स भी करा है, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं, लेकिन अच्छा खासा राइड कर रखा है। 200 किलोमीटर का अराउंड लॉन्ग राइड किया। हाँ, मतलब इन अ वन गो। हाँ, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखो उसका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था, क्योंकि ट्रैफिक तो था नहीं, सिर्फ दो ही जन थे बाइक पे, तो तुम्हें वेट फील नहीं होगा जब तुम चलाओगे। और चलाने में काफी मजेदार है, क्योंकि गाड़ी एक बार भागती है तो फिर रुकती नहीं है, तो चलाने वाले के ऊपर डिपेंड हो कितना भागा सकता है। और मैं लास्ट इसको मैं आराम से चलाता हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता मैं, लास्ट इसको 110 तक ले गया था, उसके हिसाब से मैं उससे ज़्यादा नहीं ले जाता क्योंकि जान जरूरी है। हाँ, और सेकेंड थिंग ना, इसका टॉप स्पीड जो है ना आप 120-125 तक क्लॉक कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बट भाई जो फील है ना, मतलब आप इनिशियल से ही देखोगे तो लास्ट तक, ऐसा नहीं है कि मिड रेंज में जाके उसके बाद मिड से जो लास्ट का रेंज है ना उसमें आपको पंच फील नहीं होगा। ये बाइक ऐसा है ना कि इनिशियल से लेके लास्ट तक पंच ही फील होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप फोर्थ गियर में आ गए या फिफ्थ गियर में,
तो आप फिर एक्सेलरेट कर रहे हो तो धीरे धीरे रिस्पॉन्स करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पंची रहता है फर्स्ट टू लास्ट। भाई बात कर ही रहे थे कि लॉन्ग राइड्स पे तो माइलेज कितने का दे रहा है इन ट्रैफिक, मींस इन सिटी एंड हाईवे? सिटी में थोड़ा कम जाएगा, ऐसे ये 30 का क्लेम करते हैं लेकिन सिटी में अराउंड 26-27 जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है पेट्रोल का थोड़ा इशू है, क्योंकि आपको पेट्रोल खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि हाथी पाला है तो भाई उसके हिसाब से खाना भी खिलाना पड़ेगा, घोड़ा है तो चना भी देना पड़ेगा, चना देना पड़ेगा। और ऑन हाईवे जैसे राइड्स पे तुम गए थे तो 30 प्लस भी देता होगा यार, प्लस भी देता है। हाँ, आराम से चलाओ करीब 80-90 स्पीड में, ज्यादा क्लच वगैरह नहीं लेना है तो आराम से, मीन्स ज्यादा ट्रांसमिशन के यूज होता नहीं हाईवे पे तो माइलेज बेटर देता है। और आप 30 प्लस भी निकाल सकते हो क्योंकि राइडिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है माइलेज बाइक का या फिर कार का भी, किसी भी इंजन में माइलेज राइडिंग पे और प्लस वेट क्या है बंदे का, विंड ब्लास्ट कैसा है, वो सब पे भी डिपेंड करता है। विंड ब्लास्ट भी भाई, इसका विंड ब्लास्ट के बारे में इन्होंने बात कर दिया है। हाँ, जब मैं महाबलेश्वर गया था मेरे में वाइजर नहीं लगा भाई साहब, जो हवा आता है इधर चाहती तो जाता है वाइजर लगा लेना लॉन्ग टूर में जाना है। हाँ भाई देखो यहाँ पे एक्सेसरीज में आप लगा सकते हो वो जो डायल होता है ना एक नेविगेशन का, ना नेविगेशन या फिर नेविगेशन के लिए 4,000 खर्चा करने की क्या जरूरत है भाई, यहाँ पे एक वो मोबाइल होल्डर है सेक्सी हो जाएगा, 4,000 खर्चा करने की क्या जरूरत है। ये भी पॉइंट भाई सिर्फ 4,000 में वो भी टर्न टू टर्न बताएगा, उससे अच्छा एक मोबाइल होल्डर लगा लो। रॉयल एनफील्ड का ये बाइक मैं कहना चाहूंगा छोटा सा चीज के लिए 4,000, अब ये वाइजर है और बैकरेस्ट में 2700 रुपए कौन देगा आफ्टर मार्केट लगवा लो ना, ये बात तो है यार। पार्ट्स महंगे हैं, इसके पार्ट्स का बात कर ही रहे हैं तो कॉस्ट का बात कर लेते हैं कि सर्विस कॉस्ट क्या आता है बाइक का। वैसे भाई का तो अभी भाई फ्री सर्विस जो होता है ना 4-5 उसमें अभी वो क्रॉस नहीं किया है, बट अभी कौन कौन सा सर्विस करा चुके हो आप? खाली कहने को है, 2 बार मैंने सर्विस करा लिया क्योंकि गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार, अरे प्यार क्या, सर्विस तो कराना ही पड़ेगा गाड़ी है तो लेकिन फर्स्ट सर्विस में मेरे को 1,000 से ऊपर गया था और सेकेंड सर्विस में मेरे को 800 गया था। 800 मैंने अपना पीछे का ब्रेक पैड चेंज कराया था और इंजन ऑयल तो सेम था, इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ था। तो यार तुम्हारा 5,000 किलोमीटर में ही ब्रेक पैड चेंज हो चुका है पीछे का, फ्रंट आगे का नहीं चेंज। और पीछे का ब्रेक पैड का क्या प्राइस आया था? करीब मेरे को याद नहीं है लेकिन मैं अप्रॉक्स में 200-300 ऐसा कुछ गया होगा, 300 के आसपास मतलब। हाँ। देखना पड़ेगा भाई वो जो राइड कॉस्ट है ना वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं भाई पे बाद में पूछ के डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे। सो और जो कॉस्ट था उसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट छोड़, हाँ उसके बाद तो सारा लग। और इंजन ऑयल का तुमको? इंजन ऑयल शायद टॉप अप किया था, डाला नहीं था सेकंड सर्विस में, फर्स्ट सर्विस में अपना इंजन ऑयल डाला था, अगर मैं थर्ड सर्विस जब कराऊंगा तब इसमें पूरा इंजन ऑयल बदलेगा। और भाई सेकंड सर्विस में इंजन ऑयल इसलिए टॉप अप किया था ना क्योंकि भाई का किलोमीटर क्लॉक नहीं कर पाया था भाई ने, बट जो टाइम लिमिट रहता है ना जो ब्रांड्स, 6 महीने था, हाँ जो मैन्युफैक्चरर टाइम लिमिट देते हैं सर्विसिंग का, तो वो हो चुका था इसलिए इसने टाइम पे सर्विस करा लिया, नहीं तो सेकंड सर्विस स्किप हो जाता, डायरेक्ट थर्ड मिलता इसको, इसलिए ऐसा रहता है। एंड भाई इस बाइक के साथ अपने को डुअल चैनल ABS मिलता है, तो भाई ABS कैसा परफॉर्म करता है और ब्रेकिंग कैसा है बाइक का? ABS के बारे में बात कर ABS जब तुम उसको थोड़ा सा स्पीड करके चलाओगे ना भाई, किसी बाइक का तुमको ABS का फील नहीं होगा जो रॉयल एनफील्ड फील कराता है, पूरा फील होता है भाई, कच 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 जो आता है ना, कच 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 वो फील होता है यहाँ से। तो ये आगे भी तो आगे वाले आगे में भी फील होता है, पीछे में फील होता पीछे है, में मतलब वो फील होता है भाई कि ABS वर्क कर रही है, पकड़ता है छोड़ता है मतलब ऐसा तुमको लगता है कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ। सेफ हूँ, हाँ, स्किट भी आज तक नहीं किया। ये तो अच्छा, मैंने ब्रेक मारा कभी स्किट नहीं किया। ये तो है क्योंकि भाई बाइक का ना मैंने टायर प्रोफाइल के बारे में बताई आपको, तो काफी बेटर टायर प्रोफाइल दिया गया है और ये छोटकू सा बाइक के लिए तो भाई मस्त स्टेबिलिटी मिलता है, लिटरली मैंने भी चलाया बहुत इसको और मैनूवर करना इसको इतना ईजी है और फन टू राइड है ये बाइक। फन टू राइड क्या, बहुत बहुत मजा आता है, ट्रैफिक में फिल्टर भी कर सकते हो और इवन लॉन्ग राइड्स के लिए भी भाई, लॉन्ग राइड्स के लिए बेस्ट है। अच्छा एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है मेरे पे, स्पीति के बहुत व्यूवर्स है, तो क्या इस बाइक को लेके स्पीति लद्दाख कर सकते कि नहीं? हम इजिली कहीं भी जा सकती है। नहीं वो जो आप बोल रहे थे ग्राउंड क्लियरेंस का बात, तो वो टच करेगा क्या? बंदे के ऊपर गाड़ी कैसे निकालता है, अगर मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नया नया गाड़ी कोई भी लेके जाऊंगा तो मेरे को समझ में नहीं आया कि गड्ढा में कूदा के कैसे निकालना है। कोई होता है कि साइड से ऐसे करके निकाल लिया, अब कोई डायरेक्ट कूदा ही देगा तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस तो जाएगा ही। और सेकंड थिंग ना, इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्किड प्लेट मिलता है, तो ये एक्सेसरीज का पार्ट था आनंद या फिर आपको मिला था पहले से ही? ये एक्सेसरीज का पार्ट एक्चुअली इसको लगवाना पड़ा था, ये करीब 2,500-2,300 का आया था, तो ये 2,15,000 में मेरे को सब गार्ड मिला था और ये लेग गार्ड मिला था। अच्छा ये 2,50,000 में एड है, मतलब ये और वो ना एडेड है, और इसके साथ वेलकम किट भी था जो कि वो बाइक हेलमेट कवर मिलता है और एक रॉयल एनफील्ड की
कप मिलती है, और एक हमारा ये देखो प्यारा सा रिंग मिला था मेरे को ये। हाँ, ये बहुत प्यारा था ये भाई, 700 का है सिर्फ ये। अगर बाहर से लेते तो भाई रॉयल एनफील्ड से लोगे 700 का। ओ भाई, सेकंड थिंग, इस बाइक का कॉस्ट ना बहुत सही रखा गया है, और दिस इज द सेकंड टॉप वेरिएंट ऑफ द हंटर 350, और फर्स्ट वाला जो है ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है उसमें और इसमें, बस एक ही चीज का डिफरेंस है कलर का। कलर का डिफरेंस रहता है, टैंक कलर का, बेसिकली टैंक कलर के लिए 4000 एक्स्ट्रा देना है तो दो। लेकिन मेरे को भाई व्हाइट कलर बेस्ट लगा था, इसलिए मैंने व्हाइट कलर चूज किया था। मेरे को वो ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में नहीं आया, पर ये अच्छी भी लगती है यार, मेरे देखते ये मेरे को ज़्यादा पसंद आने लगी है, और वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि कई कई पे मैट ऐसा इंजन पे प्रॉपर ब्लैकआउट किया गया है ना मैट में, तो वो और ग्लॉसी का और प्लस वाइट का, तीन चीज़ है इसमें, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है बाइक का। और बाइक थोड़ी अभी गंदी हो रखी है तो अपन, गंदी तो होती ही है, अब इसको हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में किसी भी गाड़ी को नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि वो रस्ट खाता है। हाँ हाँ, रस्टिंग का प्रॉब्लम तो आता है, इसके लिए आराम से महीने में एक बार वॉश करा लो और अब कपड़ा मारते रहो। सो ये था अपना भाई, और कुछ छूट रह गया हमसे आनंद? और छूट रहे हैं हमसे, हाँ ब्रेकिंग का, हम ABS का तो बात कर लिए, लेकिन ब्रेकिंग का बाइट के बारे में नहीं बोले भाई। मैंने भी इस बाइक को राइड किया है, जो ब्रेक है ना इसका, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास R15 V3 है और एक और बाइक है इसके भाई के पास ही, पल्सर N250। इवन मतलब बहुत सारे मैं स्पोर्ट्स बाइक से भी कंपेयर करूँ ना, इसका ब्रेकिंग क्या खतरनाक है यार, क्या वाइट बाइट प्रोवाइड करता है ना, फ्रंट इवन रियर का भी बहुत तगड़ा है। ऐसे आप स्पोर्ट्स बाइक चलाओगे तो रियर का ब्रेक आप बाइट ही नहीं फील होगा, सिर्फ स्टॉपिंग नेचर रहता है, स्टॉपिंग पावर रहता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें वो बाइट भी फील होता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है राइड करते टाइम, और भाई भी उस पर थोड़ा सा, क्योंकि देखो बाइक राइड करते समय ना तो मेरा क्या आदत है, मेरा माइंड डिसीजन ना थोड़ा लेट से रहता है तो जब भी गाड़ी अगर बहुत पास आ गई, हाँ, फट से आगे वाला ब्रेक पकड़ता हूँ, तो गाड़ी ऐसा नहीं कि स्किड कभी नहीं करती, कभी नहीं स्किड किया है, तो आगे वाला जब ब्रेक पकड़ता हूँ तो दब दब के रुक जाती है, मतलब ऐसा ही कॉन्फिडेंस है, सेफ गाड़ी है ये, सेफ ये सही है। तो भाई ये मेंशन करना हम भूल रहे थे, बहुत तगड़ा ब्रेकिंग, और 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, और मान लो 30 का माइलेज दे रहा है तो 300 प्लस 350 आसपास आप आराम से राइड कर सकते हो इन वन गो, तो उसका भी टेंशन नहीं अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जाते हो तो, और अगर लद्दाख स्पीति लेके जाना है तो डेफिनेटली लेके जाओ, मज़ेदार बाइक है, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, हीटिंग का इशू आता है क्या ट्रैफिक में? हीटिंग का तो इशू बहुत आता है इसमें, क्योंकि देखो अगर मेरे को फील नहीं होता, आप मेरे को चलाते हुए 10 महीने हो गए, अगर तुम ज्यादा तेज चलाओगे ये पूरा हीट मारता है ट्रैफिक में, तो ऑफिस जाते टाइम और मारता है बहुत ज्यादा, क्या अभी भी जींस पहन के चला करो और शूज डाल लिया करो, क्योंकि चप्पल पहन के गाड़ी चलाए, चप्पल पहन के गाड़ी नहीं चलाना है। हाँ ये तो है, एक एक दिक्कत भी है चप्पल में भाई, डर लगता है भाई कभी चोट लग जाए कुछ भी, तो हीटिंग का थोड़ा इशू है भाई। कितने लोग मेरे से पूछे भाई, कितने लोग, मैं यहाँ से निकलता हूँ मतलब निकला हूँ और गाड़ी रोक रोक कर पूछते भाई तुम्हारा भी गाड़ी हीट करता है क्या? अच्छा, इन जो हंटर वाले ही रहते हैं, हंटर वाले ही जो रहते हैं, या फिर इनफील्ड के दूसरे वाले भी, इनफील्ड के दूसरे वाले नहीं, इनफील्ड के दूसरे वाले भी पूछे हैं कैसा रिव्यू है क्या है। और ये देखो अपने गैंग और वो भाई सर पकड़ के बैठ गया कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या ही कर रहे हैं। तो भाई बात हो गई, हाँ सौरभ भाई, सौरभ भाई आप थोड़ा बता दो भैया अभी। अरे क्लच हार्ड है दादा, इसका क्लच हार्ड है, क्लच हार्ड है, और पहले निगेटिव्स, पहले सारा निगेटिव, क्लच बहुत हार्ड है, सीट हाइट ठीक है, थोड़ा कैफे रेसर टाइप बाइक है तो बढ़िया, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं राइड करते हैं? और ब्रेकिंग पावर? और वो थंप, थंप के बारे में बता भाई, सबसे ज्यादा इसका थंप फील किया है जो पंच में बोल रहा था ना, आवाज सुना, आवाज, आवाज। अच्छा हाँ, एग्जॉस्ट नोट का तो आवाज ही नहीं सुने, वो भी सुन लो आप लोग एक बार भाई, देना थ्रॉटल देना, उम्दा। सो भाई ये था कुछ अपना ओनरशिप रिव्यू अबाउट द हंटर 350, रॉयल इनफील्ड हंटर 350, और भाई ने अपना पॉइंट सारा रखा, और मेरे को भी अभी माइंड में जो भी आ रहा था ना और जो चीज़ इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया, अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, भाई और मैं मिलके आंसर कर देंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जाके बताओ, अगर कुछ आपका रह जाता है क्वेरीज तो पूछ सकते हो, और बाय बाय, सी यू सून, ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज योर हेलमेट, बाय बाय गाइस।